हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। आज मैं आपको वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक सिखा रहा हूँ। सिंपल टेक्निक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टेक्निक है ये सीखने के लिए आपको एक से लेकर 10 तक के जो स्क्वायर हैं पहले वो लिख लेते हैं। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, इसके लास्ट डिजिट लिखिए, सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10 तक लिख लीजिए। चलिए इसके हमें सिर्फ जो यूनिट डिजिट हैं ये चाहिए। एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसका हमें सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए। इसका फिर से 6, इसका 9, इसका 4, इसका 1, फिर इसका 0, राइट। तो यही हमें चाहिए था। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ, अभी 6-7 क्वेश्चन करवाऊँगा वैसे, जिससे आपको क्लियर होगा। सबसे पहले 1936 का निकालते हैं, 1936 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। पहले लास्ट के दो डिजिट देख लीजिए, 36। अभी ये 36 देखिए, ध्यान से देखिए, या तो 6 यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है। तो मतलब या तो ये जो यूनिट डिजिट है ये 4 हो सकता है आखिरी जो डिजिट है, या वो 6 हो सकता है। अभी 19 कहाँ आता है, 19 देखिए, 4 × 16 होता है, 5 × 25 होता है, तो ये इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं आएगा, तो ऑब्वियसली हम 4 पकड़ेंगे। तो 4 तो इसका आ गया 4, और इन दोनों में से हमने क्या कर रहा है अभी, ये जो हमने नंबर निकाला है ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एक बड़े वाले नंबर से, राइट। 4 + 4 × 4 + 1, 4 × 5 = 20। अभी हमने देखना है कि ये 19 जो है इससे बड़ा है या छोटा है। ये इससे छोटा है 19, ये जो हमारा निकला है नंबर 4 × 5 से मल्टीप्लाई करके, तो इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली हम छोटे वाला नंबर यहाँ से पिक करेंगे, और 44 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। थोड़ा सा अभी समझ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा तो और समझ में आएगा अच्छे से आपको। 2809 इसका निकालते हैं। अभी ये दो नंबर हैं देखिए, 9 इस पे कहाँ पे आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में आता है और ये 7 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। ये नंबर या तो 3 होगा या 7 होगा, राइट। और 28 कहाँ पे जाएगा, मतलब 25 × 36 होता है, तो ये छोटे वाला नंबर हम पकड़ेंगे, ये वाला 25, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे देखिए वही वाली ट्रिक का हम करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 आ गया। 30 जो है 28 से बिल्कुल बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये वाला 28 वाला नंबर 30 से छोटा निकला, तो हम ये छोटे वाला नंबर हमें पिक करना पड़ेगा। 53 आपका आंसर हो गया। अभी आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको। 62 41 62 41। अभी अगर आपको थोड़ा सा याद हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और आप कह लीजिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, दोनों के यूनिट डिजिट 1 1 होते हैं, तो ये नंबर जो है लास्ट डिजिट जो है या तो ये 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अभी 62 की बात करें तो 8 का स्क्वायर देख लीजिए 64 होता है, और 7 का स्क्वायर देख लीजिए 49 हो सकता है, तो ऑब्वियसली हम ये इसके बीच में कहीं आ जाता है, तो 7 जो नंबर हम यहाँ पे उठाना पड़ेगा, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, 7 × 8 = 56। तो ये जो नंबर है 56 ये छोटा है 62 से, ये वाला नंबर जो है अब की बार 62 बड़ा नंबर है 56 से, तो हम ऑब्वियसली अगर ये 62 बड़ा है तो हम यहाँ पे बड़ी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और 79 जो है हमारा आंसर है, समझ रहे हैं। तो ये सिंपल सी एक ट्रिक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर पे ही लागू होती है, राइट। इम्परफेक्ट है तो कोई बात नहीं, आप तकरीबन आंसर फिर भी निकाल सकते हैं। इम्परफेक्ट की मैं अगली जो सेशन है उसमें करवाऊंगा। अब एक और देखिए, 72 25 72 25। अभी ये 5 का जो नंबर है ये तो सिर्फ, अभी ध्यान से अगर आपको मैं दिखाऊं ये वाला, तो इसमें सिर्फ 5 जो है 5 के स्क्वायर में ही 5 आता है और कहीं नहीं आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ये तो 5 ही रह जाएगा। अभी 72 को आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर होता है 81, और 72 यहाँ पे कहीं फिट हो जाता है, तो ये आ जाएगा जी आपका 85 इज योर आंसर। तो चलिए अगला एक क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, 9409 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये दो नंबर देख लीजिए, 9 जो है कहाँ पे आ सकता है, 3 × 9
तीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, दोनों में जो फाइनल डिजिट देख लीजिए 9 निकलती है, तो यहाँ पे या तो ये नंबर 3 है या 7 है। और ये 94 देख लीजिए कहाँ पे पड़ता है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर देख लीजिए 100, ये माइंड में आपके चलेगा सर। तो ये ऑब्वियसली ये तो आ जाएगा 9, ठीक है। अभी 9 को कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई, आ गया आपका 90। अभी 90 जो है ये 94 से छोटा है, ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है तो बड़े वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो 97 जो है आपका आंसर है। सिंपल। एक दो और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा सिमिलर सा एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे ये हो रहा है। तो ये लास्ट के दो डिजिट देख लीजिए, ये आ चुका है 1। अभी 1 का स्क्वायर देख लीजिए, 1 का स्क्वायर होता है 1 या 9 का स्क्वायर होता है 81, इसमें यूनिट डिजिट 1 1 निकलती है। तो ये यहाँ पे या तो 1 होगा या 9 होगा। और 98 जो है ये वाले क्वेश्चन में भी देख लीजिए, 98 9 और 10 के बीच में आता है, तो 9 पकड़ लेंगे, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए आता है 90, 90 जो है छोटा है 98 से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 9 पकड़ेंगे तो 99 आपका आंसर है। समझ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ। थ्री डिजिट जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना भी सिखाता हूँ अभी मैं आपको। तो एक क्वेश्चन देखिए अभी, 151 151 29, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो ये दो नंबर देख लीजिए, 9 फिर से आ गया, तो लास्ट के 3 3 9, 7 7 को 7 से मल्टी स्क्वायर किया तो आ गया 49। तो ये नंबर आ सकता है 3 या 7, तो 151 यहाँ पे आ गया। अभी 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये इसके बीच में कहीं है 151, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम 12 पकड़ लेंगे, 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक नंबर बड़ा, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 156। तो 156 जो है ये बड़ा है 151 से, 151 नंबर हमारा छोटा निकला, तो ऑब्वियसली छोटे वाला नंबर पकड़ लेंगे, 123 जो है आपका आंसर है। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ अच्छा सा आपको। ये जो थंबनेल था हमारी वीडियो का 176 89, ये दो नंबर देखिए, वही वाली बात होगी दोबारा से, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। अभी तक तो आपको समझ आना शुरू हो गया होगा, तो ये नंबर या तो आपका 3 होगा या 7 होगा, 176 आ गया आपका। अभी 176 देखिए यहाँ कहाँ पे पड़ता है आपका, 13 का स्क्वायर देख लीजिए आपका पड़ता है 169 और 14 का स्क्वायर 196 के तकरीबन एग्जैक्टली एक्चुअली, तो ये इसके बीच में कहीं पड़ता है 176, तो ऑब्वियसली 13 पकड़ेंगे यहाँ पे हम। अभी 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बड़े नंबर से 14 से, तो ये आपका आ जाता है 182। अभी 182 जो है ये बड़ा है 176 से, बड़ा है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 176 जो है छोटा है 182 से, तो छोटा नंबर चूज करेंगे, तो 133 जो है ये हमारा आंसर है। तो चलिए ये एक छोटी सी एक शॉर्टकट की ट्रिक थी स्क्वायर रूट की, शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता थी उनके लिए आज का सेशन था। अगले सेशन में हम इनपरफेक्ट जो स्क्वायर्स हैं वो करेंगे, और अगले सेशन में क्यूब रूट भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और वीडियोज़ जो हैं लगातार आपको मिलती रहें, और बेल आइकन दबाइए। और हमारी एप्लीकेशन है जीके डाइजेस्ट एप्लीकेशन है हमारी, इसको इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन पे, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे एसएससी और बैंक पीओ के जो जीके के नोट्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नोट्स हैं, वो आपको मिलते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय। और अपने कोई भी डाउट है वो कॉमेंट्स में डालिए। थैंक यू।